हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ घर के अंदर यूज़ होने वाली डोरबेल की वायरिंग कैसी करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल स्विच है टू वे इंडिकेटर वाला, 6 एम्पीयर स्विच है। डोर बेल को ऑफ करने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए तो ही वायरिंग समझ में आएंगी आपके। ये 1 मॉड्यूलर प्लेट है। ये 2 मॉड्यूलर प्लेट है। और ये डोरबेल। ये कनेक्शन वायर है, इसे हमने 2 पिन लगाए। फेज न्यूट्रल 2 वायर है। स्विच को 1 मॉड्यूलर प्लेट में सेट करेंगे। बेल स्विच को 2 मॉड्यूलर प्लेट में फिट करेंगे। फेज हम ऊपर के साइड में देंगे, 6 एम्पीयर वाले। इसमें 6 एम्पीयर का स्विच है। एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे, आप कितना भी लंबा ले सकते हो आपके हिसाब से। आपको जहाँ स्विच रखना है उसके हिसाब से इसको स्विच पे नहीं रखे तो बाहर जो बेल स्विच रहता है बार बार कोई भी मतलब उसे ऑफ ऑन करता है और बार बार हम बाहर जाके देख सकते हैं कि कौन है। तो इसीलिए ये ऑफ़ करने के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। इसे ऑफ़ कर देंगे तो बाहर कितने भी पुश करेंगे बेल बटन तो बेल डोर बेल बजेंगी नहीं। स्विच से दूसरा वायर निकाल के बेल स्विच में देना है ऊपर के टर्मिनल में। इंडिकेटर के 2 वायर हैं, एक वायर स्विच में ही लगा देंगे नीचे वाले पॉइंट में। इंडिकेटर का एक वायर नीचे वाले पॉइंट में लगाना है, नीचे वाले टर्मिनल में, ठीक है। और उसी के साथ में एक वायर लगा देना है जिसे मैं येलो कलर का वायर लगा रहा हूँ। ये फेज है, ये फेज डायरेक्ट डोरबेल में लगेगा, ठीक है। इंडिकेटर का भी एक वायर लग गया, अब एक वायर बचा। येलो वाला वायर आप डोरबेल के एक वायर में लगा देंगे।
अब न्यूट्रल को कनेक्ट कर लेंगे। इंडिकेटर का वायर और एक न्यूट्रल, तीन वायर हम जॉइंट कर लेंगे। एक हमने स्विच में लगा दिया फेज, और न्यूट्रल को हमने इंडिकेटर में लगा दिया, और उसी के साथ एक दूसरा वायर में जॉइंट कर दिया, और वही वायर हमने डोरबेल के दूसरे वायर में लगा दिए। कनेक्शन वायर हम बोर्ड में लगाएंगे और बेल ऑफ ऑन करके देखेंगे ऑपरेट होती या नहीं होती। ये स्विच ऑफ है इसीलिए ऑन नहीं हो रही है। अब हम स्विच ऑन करेंगे, डोरबेल ऑन हो गई है। बेल स्विच का इंडिकेटर भी ऑन हो रहा है। स्विच को ऑफ करेंगे, डोरबेल अब ऑन नहीं होंगी क्योंकि हमने उसका कनेक्शन अंदर से ही बंद कर दिया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।